सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे HAL के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स प्रोग्राम के बारे में, जिसने एरो इंडिया शो 2021 के दौरान हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और आप में से कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि HAL का ये कैट्स प्रोग्राम आखिर में है क्या। तो चलिए आज के इस एपिसोड में HAL के इसी कैट्स प्रोग्राम को आसान शब्दों में डिकोड करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, इस एपिसोड में कैट्स प्रोग्राम के बारे में हम आपको जो भी जानकारी देंगे उसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर भी पब्लिश किया गया है। तो अगर आप में से किसी को ब्लॉग पढ़ने का शौक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो अब बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक कैट्स प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, और ये एक बेहद ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक एयर वॉरफेयर सिस्टम है, यानी कि इसे भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और इस प्रोग्राम पर HAL बेंगलुरु में स्थित एक नई स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर काम कर रही है। और अगर आप हमारे डिफेंस अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज वाला नाम है ये आपने पहले भी सुना है, और कहां सुना है ये हम आपको याद दिलाते हैं। ये वही सेम कंपनी है जिसने इंडियन आर्मी के लिए स्वार्म ड्रोन्स को भी डेवलप किया है, और वही स्वार्म ड्रोन्स जिन्हें इसी साल आर्मी डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से सबसे पहले डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाया गया था। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस कैट्स प्रोग्राम के काम करने का क्या तरीका है। तो जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें कई अलग अलग कॉम्बैट सिस्टम्स की एक टीम बनाई गई है और वो टीम एक साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम को बनाती है। और इसी वजह से इस कैट्स प्रोग्राम में मैंड और अनमैंड दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। और जिन्हें मैंड और अनमैंड में फर्क नहीं पता है उन्हें भी बता दें कि मैंड प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि जिसमें ऑपरेट करने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत है, उसके बिना वो चीज ऑपरेट हो ही नहीं सकती, या यूं कहीं वो चली नहीं सकती, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी बाइसाइकिल, ये सब चीजें। और अनमैंड प्लेटफॉर्म इसका बिल्कुल ओपोजिट, यानी कि जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, आप उसे रिमोट कंट्रोल की मदद से ऑपरेट कर सकें। और इसके लिए आप किसी भी यूएवी का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो ये अनमैंड प्लेटफॉर्म है उसे भी ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी इंसान की तो जरूरत है ही, फिर भले ही वो रिमोटली क्यों ना हो। तो उन्हें हम बस ये क्लियर कर दें कि यहाँ पे जिन मैंड प्लेटफॉर्म की बात हो रही है वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें खुद एक इंसान को उसके अंदर सवार होकर उसे ऑपरेट करना पड़ता है। बाकी जहां तक बात है इस कैट्स प्रोग्राम की, तो इसमें जो मैंड प्लेटफॉर्म शामिल है वो मोस्ट प्रोबेबली तेजस फाइटर हो सकता है। और हम तेजस फाइटर क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन ये है कि एरो इंडिया शो में ये जो पूरा कैट्स प्रोग्राम प्रदर्शित किया गया था उसमें तेजस फाइटर को ही एक मदरशिप या फिर यूं कहें एक मैंड प्लेटफॉर्म की तरह दिखाया गया था। और जो ये तेजस फाइटर होगा, हो सकता है कि इसका नाम तेजस मैक्स हो। और अगर मान लीजिए तेजस नहीं भी है तो भी इस कैट्स प्रोग्राम में जो मैंड प्लेटफॉर्म होने वाला है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही होगा, और जिसे इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि वो अपने अंदर से अनमैंड प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर सके। और इसलिए इस कैट्स प्रोग्राम में जो अनमैंड प्लेटफॉर्म होने वाले हैं वो ज्यादातर UCAVs ही होंगे, यानी कि अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, और जो उस फाइटर एयरक्राफ्ट के विंगमैन की तरह काम करेंगे। विंगमैन का मतलब हुआ कि वो उस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक दोस्त, एक साथी की तरह काम करेंगे ताकि जब उस फाइटर एयरक्राफ्ट को जरूरत पड़े तो वो उसे सपोर्ट कर सके। और जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो इस पूरे प्रोग्राम में इन अनमैंड प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मदरशिप की तरह काम करेगा, और जो ये ड्रोन्स होंगे ये उस फाइटर एयरक्राफ्ट को दुश्मन के हमले से बचाएंगे। और यही नहीं बल्कि अगर मदरशिप यानी कि उस फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट इन ड्रोन्स को आदेश देता है तो ये ड्रोन्स कॉम्बैट में यानी कि युद्ध भूमि में दुश्मन के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। और इस कैट्स प्रोग्राम में इस फाइटर एयरक्राफ्ट में क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन स्वार्म कैरियर्स को भी माउंट किया जाएगा। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सर्विलियंस और कोऑर्डिनेशन के लिए इसमें एक हाईटेक स्यूडो सैटेलाइट भी इस्तेमाल की जाएगी। अब आते हैं कि इस कैट्स प्रोग्राम के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इस प्रोग्राम में चार मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है हमारा कैट्स वॉरियर नाम का विंगमैन ड्रोन। ये एक अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल यानी कि UCAV है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मिशन के दौरान अपनी मदरशिप यानी कि उस फाइटर जेट को सपोर्ट देने का काम करेगा, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह, किसी विंगमैन की तरह। और इस कैट्स वॉरियर नाम के विंगमैन ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन की रडार्स, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इनकी नजर में आसानी से ना आए।
और इस विंगमैन ड्रोन को फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट कंट्रोल कर सकेगा। अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की, तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसकी क्रूज स्पीड हो सकती है मैक 0.7 तक, यानी कि करीब 860 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैक्सिमम स्पीड हो सकती है मैक 0.8 से ज्यादा, यानी कि करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। इसके अलावा ये 700 से 800 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आ सकता है। इसका एंड्योरेंस टाइम यानी कि ये करीब 80 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये 1300 किलोग्राम तक का मैक्सिमम वजन कैरी कर सकेगा, और साथ ही साथ इसमें 250 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी होने की भी उम्मीद है, जिसे भविष्य में और बढ़ाया भी जाएगा। और चूंकि ये एक UCAV है, तो जाहिर सी बात है दुश्मनों पर हमला करने के लिए ये हथियार भी कैरी करेगा। तो एयर इंडिया शो 2021 में जो प्रदर्शित किए गए थे उसके मुताबिक तो इस कैट्स वॉरियर में कम से कम DRDO के 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी, जो कि मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक रोल में इस्तेमाल किए जाएंगे। और DRDO के ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स ये ड्रोन अपनी इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, यानी कि वो ड्रोन के बाहर से नहीं लगे होंगे बल्कि ड्रोन के अंदर होंगे। और उसके अलावा इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि एक एडवांस वर्जन की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और जहां तक संभावना है ये मिसाइल सेल्फ प्रोटेक्शन रोल के ही काम आएगी, और सोर्सेस का कहना है कि इस मिसाइल को MBDA विकसित कर रही है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे असेंबल करेगी। और ये मिसाइल इस विंगमैन ड्रोन में ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रशियन ओरिजिन की R-73 मिसाइल्स को रिप्लेस करने के भी काम आएगी। अब जहां तक ये सवाल है कि इस कैट्स वॉरियर विंगमैन के फायदे क्या हैं, तो सबसे पहला फायदा कि ये सिस्टम एक टीम में काम करता है, तो दुश्मन के हैवीली डिफेंडेड एयर स्पेस पर अटैक करने के लिए ये एक आइडियल सिस्टम भी साबित होगा। और वैसे भी किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है उसका हर एक इंडिविजुअल मेंबर होता है, और वही हर एक मेंबर की जो स्ट्रेंथ एक टीम बनती है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा है कम कीमत, यानी कि मान लीजिए अगर युद्ध भूमि में हम अपने कुछ ड्रोन्स को खो देते हैं तो भी उनकी कीमत किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत जितनी तो नहीं होगी, बल्कि वो सस्ते ही साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रेव फाइटर पायलट्स की जान को खतरा भी नहीं रहेगा। और तीसरा फायदा है स्टेल्दी फीचर, क्योंकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में इनका साइज छोटा है और इनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी ऐसी ऐड की गई हैं कि दुश्मन के रडार्स, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इस कैट्स प्रोग्राम के दूसरे मेजर कंपोनेंट पर, जो कि है कैट्स हंटर। हालांकि फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि कैट्स प्रोग्राम का जो ये हंटर वाला कंपोनेंट है ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अगर आप इसके मॉडल को देखेंगे तो देखने में तो ये क्रूज मिसाइल की तरह ही लगेगा, लेकिन कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस बात की बहुत संभावना है कि ये क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि एक ड्रोन कैरियर हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल अभी हमें इसके और अपडेट्स का इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है तो बिना किसी देरी के उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और फिलहाल इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद है उसके मुताबिक तो ये एक एयर लॉन्च लो ऑब्जर्वेबल हाई प्रिसिशन क्रूज मिसाइल है, जो कि मदरशिप यानी कि इस फाइटर जेट पर माउंट की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि अगर ये स्वदेशी तौर पर विकसित की जा रही एक नई एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, तो फिर इस बात की अधिक संभावना है कि ये क्रूज मिसाइल स्कैल्प क्रूज मिसाइल की तरह ही काम करेगी, जो इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर्स में इंटीग्रेट की गई है, और इसमें एक एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। और जो स्पेसिफिकेशंस आई हैं उसके अनुसार इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, और ये 250 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी करने में भी सक्षम होगी, और ये जमीन और पानी दोनों पर ही मौजूद टारगेट्स पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी कहा गया है कि इस नई क्रूज मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के अन्य फाइटर्स में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और अगर आप में से किसी के मन में ये सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल के होते हुए इस HAL के कैट्स प्रोग्राम में हमें एक नई क्रूज मिसाइल विकसित करने की जरूरत क्यों है, तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो ये हंटर नाम की अगर ये वाकई में क्रूज मिसाइल है तो ये ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में ज्यादा स्टेल्दी होगी। इसके बाद इस कैट्स प्रोग्राम का तीसरा मेजर कॉम्पोनेंट है Alpha-S स्वार्म ड्रोन्स। ये इस पूरे कैट्स प्रोग्राम का एक बेहद ही यूनिक फीचर है। अब आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो फिलहाल इसकी मदरशिप होगी यानी कि फाइटर जेट्स, उसमें स्वार्म ड्रोन्स को कैरी करने के लिए कैरियर पोर्ट होंगे, और हर एक पोर्ट कम से कम 4 ड्रोन्स को कैरी करेगा। और अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि हम ये सब चीजें अपने अंदाजे से कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम ये सब चीजें उन इमेजेस के आधार पर कह रहे हैं जो एरो इंडिया शो से सामने आई हैं इस कैट्स प्रोग्राम के बारे में। और हाँ, इन इमेजेस को शेयर करने के लिए हम वायु एरोस्पेस रिव्यू को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। अब अगर बात करें इसके काम करने के तरीके पर, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मदरशिप होगी यानी कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो कैरियर पोर्ट को रिलीज करेगा। कैरियर पोर्ट जो अपने अंदर 4 स्वार्म ड्रोन्स को कैरी कर रहा होगा, और स्वार्म ड्रोन्स को कैरी करने वाला एक कैरियर पोर्ट की रेंज होगी करीब 100 किलोमीटर। और फिर अपनी 100 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल करने के बाद ये अपने अंदर कैरी कर रहे उन 4 स्वार्म ड्रोन्स को रिलीज करेगा। और ये स्वार्म ड्रोन्स एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कॉम्बैट दोनों में ही परफॉर्म कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम हमला भी कर देता है तो ऐसे में फाइटर एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए फॉर्मेशन बना सकते हैं और दुश्मन के हमले के आगे खुद को ला सकते हैं ताकि वे खुद डिस्ट्रॉय होकर उस फाइटर एयरक्राफ्ट को बचा लें।
और ऐसी संभावना है कि अगर तेजस फाइटर इसकी मदरशिप होने वाली है तो एलसीए तेजस में इन स्वार्म ड्रोन्स को कैरी करने के लिए 3 कैरियर पोर्ट माउंट किए जाएंगे, यानी कि टोटल 12 स्वार्म ड्रोन्स तेजस कैरी करेगा। वहीं सुखोई 30 एमकेआई फाइटर में ऐसे करीब 4 कैरियर पोर्ट को माउंट किया जा सकता है, यानी कि टोटल 16 स्वार्म ड्रोन्स, और आगे जाकर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम की सबसे यूनिक बात क्या है? वो यह है कि फाइटर एयरक्राफ्ट से स्वार्म ड्रोन्स को लॉन्च करने वाले इस कॉन्सेप्ट पर दुनिया की कोई भी और कंट्री फिलहाल काम नहीं कर रही है। तो हाँ, कह सकते हैं कि भारत दुनिया की ऐसी पहली कंट्री है जो इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। और वैसे स्वार्म ड्रोन्स पर हम अलग से वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं कि ये स्वार्म ड्रोन्स होते कैसे हैं, काम क्या आते हैं और भविष्य में ये किस तरीके से एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी जो एक कैट्स प्रोग्राम का चौथा महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है जो कि है इन्फिनिटी स्यूडो सैटेलाइट, ये एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज है। और आप ये भी समझ लीजिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर हर कोई महारत हासिल नहीं कर पाया है। पर चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम कैट्स प्रोग्राम के इस चौथे मेजर कंपोनेंट को इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। और उस पार्ट 2 में हम आपको ये भी बताएंगे कि HAL के इस कैट्स प्रोग्राम के क्या खास फायदे हैं। इसके अलावा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आपको ये भी अपडेट देंगे कि ये कैट्स प्रोग्राम के कब तक आने की उम्मीद है। तो इस वीडियो के पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक भी कर दें। बाकी फिलहाल इसके पार्ट 1 पर हम कंक्लूजन पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पार्ट 2 पर ही कंक्लूजन देना सही रहेगा। लेकिन हाँ, इस कैट्स प्रोग्राम के बेनिफिट के तौर पर हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि जम्मू से POK की दूरी है केवल 167 किलोमीटर यानी कि 167 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से POK की दूरी है 674 किलोमीटर। अब आगे तो समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा समझदार हैं और हमारे इस बात को भी समझ ही जाएंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।